सो देखिए, ये है बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2014 का, स्पेशल इंग्लिश मध्य प्रदेश, ठीक है। सो इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो एक पैसेज है, तो इस पैसेज को पढ़ लो, जाओ जल्दी से अच्छे से। और ये इसके क्वेश्चन कौन हैं, 1 2 3 1 2 3 4, ओके 5 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन से पूरे इतने। इसका पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ओके। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट 2014 के पेपर का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन सेकंड, ये एक पोयम है। सो ये पूरी पोयम है, ये इसके क्वेश्चन है। इस पोयम का एक जल्दी से एक छोटा सा स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसे भी सॉल्व करो, है ना, बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे, तो इनको भी अच्छे से सॉल्व करो। जितने भी पैसेज बता रहा हूँ वो अच्छे से सॉल्व कर लो, तो ये मान के चलो आपको पैसेजेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगभग ये है तो तीन में से इनमें से दो तो फंस ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं इनमें से कोई अनसीन पैसेजेस क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है, आते भी हैं, चांसेस नहीं आते भी हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हैं इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, 6 क्वेश्चन पढ़ लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड जो है आपका वो है, फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट, ओके। पूरा इतना बड़ा अनसीन पैसेज बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो इतना पूरा पढ़ना है और इसको क्या करना है, इसको आपका आंसर्स देने हैं, ठीक है। सो इस अनसीन पैसेज की एक छोटी सी स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, ठीक है, थोड़े ज़्यादा 9 क्वेश्चंस हैं, 14 मार्क्स का आता है एक, तो आई थिंक वो यही होगा 14 मार्क्स का। सो इसे भी पढ़ लेना, इसमें भी लगाना अपने क्वेश्चंस अपने आंसर्स, ओके। सेक्शन बी जो है उसमें देखिए जो क्वेश्चन फोर्थ है वो आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है और उसके ओर में जो है आपको एक शॉर्ट बायोग्राफी लिखना है जवाब, ठीक है। सो ये क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फिफ्थ देखो वो है एक नोटिस है और उसके ओर में जो है वो एक मैसेज है, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स्थ जो है वो एक लेटर है और उसके ओर में भी एक लेटर है। क्वेश्चन सेवन्थ जो है वो एक आर्टिकल है, ठीक है, और उसके ओर में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ या फिर एक स्पीच लिखनी है, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ किन पे, इन पे लिखनी है, ओके। रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर आपको लिखनी है, तो ये स्पीच लिखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उधर 5 ही थे, है ना, अब ये दो और इधर हैं। क्वेश्चन 8 जो है वो एक ऐसे लिखना है आपको, 200 से 250 वर्ड्स के बीचों बीच। सो ये पूरे 5 पॉइंट्स लिखना है, 5 पॉइंट्स में से कोई सा एक लिखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9 देखिए, जो सेक्शन सी है ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसमें देखिए पूरे 11, देखिए मैं कह रहा था कि कोई से 10 क्वेश्चंस करने रहते हैं। सो एक 2014 के पेपर में ऐसा है कि 11 दिए हैं आपको, कोई से क्वेश्चन 10 करने हैं, ठीक है। सो ये इसके ऑप्शंस हैं, इसे भी इजीली कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 10th जो है वो है डू एज डायरेक्टेड। सो इसमें देखिए पूरे 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है, पूरे 6 क्वेश्चन हैं, तो इन्हें भी कीजिए। इसमें भी आपको कोई से एनी 5 करने थे, है ना, उस वक्त करने थे एनी 5, तो आप पूरे के पूरे सॉल्व करना है। सेक्शन डी जो है वो आपका एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसकी पूरी पोएम्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। सो ये एक्सट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। सो देखो जो क्वेश्चन 12 है वो भी एक एक्सट्रैक्ट है आपके लिए, है ना, आपको एक एक्सट्रैक्ट लिखनी है। सो ये एक्सट्रैक्ट भी पढ़ो, उसके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन पढ़ो। देखो जो अब जो पैटर्न था क्वेश्चन आंसर्स का, वो क्वेश्चन आंसर का चेंज हो चुका था। देखिए जो क्वेश्चन 13 आता है वो आता है, है ना, दो क्वेश्चन रहते हैं आपको, इसे एक करना रहता है और 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना है, और देखिए 5 मार्क्स का आता है। सो ये देखिए पैटर्न चेंज हो गया, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ये आपका जो ड्रामा चैप्टर होता है, ठीक है, ड्रामा चैप्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 5 जो है उसे भी अच्छे से पढ़ लो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि देखो बी वाला क्वेश्चन है वो चैप्टर 5 जो है उसमें से आपको आता है, वेस्टरकॉफ वाला चैप्टर है, सो उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 14 जो है उसमें कोई से 4 क्वेश्चन करना है 30 वर्ड्स में, ठीक है, 2 मार्क्स के हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, कोई से 4 करना है, सो ये भी कर देंगे। क्वेश्चन 15 थे वो है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 70 to 120 वर्ड्स, ठीक है, ये कितने का है, 4 मार्क्स का है, ठीक है, ये 4 मार्क्स का है आपका। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपके वर्क बुक में से आता है, सो वर्क बुक को अच्छे से पढ़ लो और ये क्वेश्चन को भी पढ़ लो। चलो ठीक है ना, अब चलते हैं हम बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2015 की तरफ, ठीक है। सो देखो ये है बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2015 का, ठीक है, ये सेक्शन है अनसीन पैसेजेस, इसकी भी एक स्क्रीनशॉट लो और इसे भी अच्छे से पढ़ो, ओके। ये क्वेश्चन पेपर 2015, ये इसका पूरा स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस हैं। और एक बात याद रखना, इन पेपर्स को एक साथ मत करना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना करते चलना हर 1-2 डेज में। आप एक पेपर तो कम से कम कर ही लेना जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, जो मैंने आपको पहले जो आपका टाइम टेबल बताया उस टाइम टेबल के हिसाब से चलना,
और जब आप वो क्वेश्चन आंसर याद कर लो ना, उसके बाद ही पेपर सॉल्व करने लग जाना है, ठीक है। वो क्वेश्चन आंसर जब याद कर लो उसके बाद ही पेपर सॉल्व करने लग जाना तो अच्छा रहेंगे आपके लिए। सो इसमें पूरे 5 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं सॉरी। सो ये 6 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन सेकंड है वो आपका क्या है, पोएम है। सो पोएम देखते हैं कितनी बड़ी है पोएम। पोएम नो नो बापरे ओके 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 ओके। सो बहुत बड़ी है तो सो देखो जितने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो उतने का ले लो। ओके पहले दो ही जोड़ लेना और आधे आधे का स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ये तो बात हुई। इसके देखो क्वेश्चंस होने, ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस है। सो ये इसी में से मिलेंगे, इसे ही सॉल्व करो और आपको इजीली क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, ठीक है। जो देखिए जो क्वेश्चन थर्ड है वो भी एक पैसेज ही है और ये 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स लिखा भी रहा है। सो इसको भी पढ़ो, ये भी बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा बताऊँ मैं आपको, इतना 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 ऐसा करो इतने की आधे की स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इतने की स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। सो इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है, पूरे 9 क्वेश्चन हैं इसमें। सो ये 9 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो। ओके ये पूरे आपके 9 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को इसमें से ढूंढो और अच्छे से सॉल्व करो। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो देखो सेक्शन बी जो है आपका वो है क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ है एक पैराग्राफ लिखना है आपको कि हाउ वी कैन मेक अवर सराउंडिंग ग्रीन पोल्यूटिंग फ्री एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। पूरा 5 मार्क्स का है। सो इसे पढ़ो, इसे सॉल्व करो। पहले भी आ चुका है ये, मैं बात बता रहा हूँ वापस से, ये पहले भी आ चुका है, पहले देखना है आप, ठीक है। इधर देखते हैं में है इसके और में है, आपको शॉर्ट बायोग्राफी लिखना है APJ अब्दुल कलाम के बारे में और ये कुछ फॉलोइंग हेड्स के बारे में, फॉलोइंग हेड्स की मदद से है ना सॉरी। जो क्वेश्चन फिफ्थ है आपका वो क्या है, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है और इसके और में है एक मैसेज आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स जो है वो क्या है, वो आपको लिखना है एक लेटर लिखना है और उसके और में जो है वो भी आपको एक लेटर ही लिखना है। क्वेश्चन सेवन जो है वो आपको क्या करना है, वो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और उसके और में लिखना है आपको है ना, क्या लिखना क्या लिखना क्या लिखना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 ये 6 पॉइंट्स की मदद से आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन एट जो है उसमें आपको एक ऐसे लिखना है, इन 5 में से कोई से एक टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सेक्शन सी है वो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो फिलिंग द ब्लैंक्स भरा भी रहे हैं और देखिए इस बार 12 क्वेश्चंस हैं और आपको कोई से 10 करने हैं। आपको तो सारे ही करने हैं है ना, आपको सारे करने क्योंकि कोई सा भी आ सकता है और सभी इंपॉर्टेंट है तो आप सारे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और देखो क्वेश्चन 10th जो है वो डू एज डायरेक्टेड एनी 5 में से, सो एक ही दिया, इस एक को पढ़ो। जो देखो आगे के हैं वो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये 8th ही पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। जो क्वेश्चन 11th है सेक्शन डी में, जो क्वेश्चन 11th है वो आपके एक्सट्रैक्ट्स लिखने के हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट्स लिखते हैं, क्वेश्चन है इनके 1st, 2nd, 3rd 3 क्वेश्चंस हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन 12th है, वो भी एक एक्सट्रैक्ट ही है आपकी। सो उसमें भी देखिए 1 2 3 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 12 में 3 क्वेश्चंस हैं एक्सट्रैक्ट्स के, ठीक है। क्वेश्चन 13 जो है वो देखिए वापस 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 120 to 150 वर्ड्स में है ना। सो ये देखिए वापस ये जो है ना क्वेश्चन, ये जो चैप्टर नंबर 5 है आपका उसमें से आया है, तो उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 5 है ना उस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद देखो क्वेश्चन 14th जो है इसमें से आए हैं, 1 2 3 5 क्वेश्चंस आए हैं, कोई से 4 करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लो क्वेश्चन 14th, ठीक है। इसके पूरे देखो ये है क्वेश्चन 15th आपका, जो कि है आंसर देना है आपको इन वर्ड्स 75 to 120, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चंस हैं, ये और ये दो और में है, कोई एक करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका। अब चलते हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2016 की तरफ, ठीक है। सो ये देखिए जो अनसीन पैसेजेस है ये, ठीक है, ये आपका पूरा अनसीन पैसेज, इसका क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक है। इसमें आई थिंक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी लगाओ। देखिए क्वेश्चन सेकंड जो है वो है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली। ओके आपको जो पोएम्स हैं इनको केयरफुली पढ़ना है, पूरे पोएम देख लीजिए, ये बाकी ये सभी हैं, इतना पूरा पढ़ना है, फिर उसके इतना पूरा पढ़ लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट है वो इमेज द कॉलम, जो सेकंड है वो एक क्वेश्चन है, थर्ड है वो भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद और अगला जो है वो आपका क्वेश्चन थर्ड,
ठीक है, अनसीन पैसेजेस। सो इसके पूरे की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इतना बड़ा है अनसीन पैसेजेस, इसने पूरे की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो है फर्स्ट से, फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड, और फिर देखिए बस सेकंड ही है। ठीक है चलिए अब अगले मैच पे चलते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। देखिए इसमें है क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। ठीक है ये हो गया। अब देखिए सेक्शन बी जो है इसमें क्वेश्चन फोर्थ है, इसमें रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है और इसके ओवर में जो है इसमें एक आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखनी है ना, इसमें भी आपको आई थिंक पैराग्राफ ही लिखना है। ओके पैराग्राफ लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ओवर में। ठीक है क्वेश्चन फिफ्थ जो है उसमें आपको एक नोटिस लिखना है और उसके ओवर में आपको एक पोस्ट कार्ड लिखना है। क्वेश्चन सिक्स जो है उसमें आपको एक लेटर लिखना है और उसके ओवर में आपको एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन सेवन्थ जो है उसमें देखिए एक फ्लो चार्ट है, पूरा ATM सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है, तो ये फ्लो चार्ट पे अभी आपको लिखना है, तो उसके ऊपर आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है और में एक विजुअल इनपुट है, सो इस पैराग्राफ को देख के आप, सॉरी इस फोटो को देख के आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन एट जो है उसमें आपको फॉलोइंग टॉपिक किसी एक टॉपिक पे लिखना है 200 से 250 वर्ड्स में। ठीक है इसके बाद देखो सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नाइन्थ जो है उसमें उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है पूरे 12 उसमें से आपको इसे 10 करना है। ओके क्वेश्चन टेंथ जो है वो है आपका डू एज डायरेक्टेड, ओके सॉरी 1 2 3 4 7, ठीक है 7 डू एज डायरेक्टेड है। ओके क्वेश्चन 5 करने के थे उस वक्त, आपको सारे सॉल्व करके देखना है। चलिए अब आगे देखते हैं सेक्शन डी जो है इसमें जो क्वेश्चन 11 है, ओके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। ओके क्वेश्चन 12 जो है इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके क्वेश्चन 12 में, ठीक है और देखो जो क्वेश्चन 13 जो है इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है ए और बी, वैसे एक करने का ही आता है इसमें, है ना। ये भी देखिए, ये देखिए वापस चैप्टर नंबर 5 में से आ गया। मैं कहता हूँ चैप्टर नंबर 5 को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है क्वेश्चन 14 जो है इसमें पूरे 5 क्वेश्चन है, कोई से 4 करने रहते हैं। ओके क्वेश्चन 15 जो है ये आपके वर्कबुक में से है, 2 क्वेश्चन है, कोई से एक करने को रहते हैं। ठीक है ये हो गया आपका 2016 का पेपर। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सेवन्थ जो क्वेश्चन, सॉरी बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो है 2017 का, ठीक है उसमें जो सेक्शन ए है इसमें क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए जो पैसेज है इसको आपको पढ़ना है। इसके क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है इसके क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन सेकंड है वो पैसेज है, पोएम है, सॉरी पोएम आपको केयरफुली पढ़ना है, इनके आंसर्स लिखना है। तो ये देखिए पूरी पोएम है और इसके क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके ये इसके क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड जो है वो भी एक पैसेज ही है, सो ये इसका पूरा पैसेज देखिए। ठीक है इतना ही पैसेज है, इस पैसेज को अच्छे से देख लो। चलो इसके तो देखो ये आपका आगे का और ये इसके क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है सो इन्हें भी सॉल्व करो। अब देखो इसका जो सेक्शन बी जो है इसमें क्वेश्चन फोर्थ है वो है राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। सो इसमें आपको क्या लिखना है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट ही लिखनी है आपको। ठीक है और जो अगला वाला है इसमें क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। ओके जो क्वेश्चन फिफ्थ है आपका उसमें आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है और उसके ओर में आपको एक मैसेज लिखना है। ओके क्वेश्चन सिक्स्थ जो है उसमें एक एप्लीकेशन लिखना है और उसके ओर में एक लेटर। ओके क्वेश्चन सेवन्थ जो है उसमें एक पैराग्राफ लिखना है और उसके ओर में क्या लिखना है, और में लिखना है आपको डायरी राइटिंग। ठीक है क्वेश्चन सेवन्थ हो गया। क्वेश्चन एट्थ जो है उसमें आपको ऐसे लिखना है इन 5 टॉपिक्स में से किसी एक पे। ठीक है सो ये आपका ऐसे हो गया क्वेश्चन एट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए सेक्शन डी है, ओके सो इसमें जो क्वेश्चन नाइन्थ है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स, पूरे आपके 12 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आपको कोई से 10 करने को रहते हैं, सो आपको पूरे के पूरे ही पढ़ने हैं। ठीक है डू एज डायरेक्टेड 7 है, कोई से 5 करने को रहते हैं, आपको इसमें भी पूरे ही पढ़ने। सेक्शन डी जो है आपका वो देखिए एक्सट्रैक्ट है, क्वेश्चन 11th एक्सट्रैक्ट, सो इसमें 3 क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन 12th जो है एक्सट्रैक्ट, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। ओके क्वेश्चन 13th जो है ना ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन देना है। ठीक है ये आपको है ना क्वेश्चन हैं आपको वर्क बुक, सॉरी आपकी जो टेक्स्ट बुक है और ड्रामा जो उसमें होता है उसमें से। देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो है ये आपका वेसरकॉफ वाले चैप्टर में से है, सो उसे अच्छे से पढ़ लो। देखो उसमें हर पेपर में उसका एक नया क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है और वो भी आता है 5 मार्क्स में, सो उस चैप्टर को ज़रूर अच्छे से पढ़ लो। ओके अब देखो उसके बाद जो क्वेश्चन 14 है आपका वो 4 क्वेश्चन हैं 2-2 मार्क्स के, ठीक है तो इन्हें पढ़ लो। क्वेश्चन 15 जो है वो एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ओके सो ये 15th क्वेश्चन हो गया। सो देखिए ये है बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2018 का, ठीक है सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन जो होता है। सो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो पेसेज हैं। ओके सो ये पेसेज की आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके 6 क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन सेकंड जो है आपका वो भी एक
पोयम है, ओके। सो ये पोयम आपकी, ठीक है, इतनी पोयम आगे और देखते हैं कि नहीं, इतने का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये देखिए आगे का, ठीक है, उतना आधा था और इतना आगे का। फिर ऐसे क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स क्वेश्चन इसके, ओके। इसके बाद देखो जो क्वेश्चन थर्ड है, सो देखो ये इतना बड़ा पैसेज है आपके लिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट छोटा सा जल्दी से ले लो और इसको पढ़ो, ठीक है। सो देखिए इसके क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ, ओके, पूरे नाइन क्वेश्चन है इसमें। इसका देखो जो सेक्शन बी है आपका, वो एक राइटिंग सेक्शन है, तो इसमें क्वेश्चन फोर्थ जो है उसमें आपको पैराग्राफ लिखना है और इसके और में भी एक पैराग्राफ लिखने को है। क्वेश्चन फिफ्थ जो है उसमें आपको एक ड्राफ्ट करना है एक नोटिस और उसके और में एक टेलीग्राम लिखने को है। देखिए जो क्वेश्चन सिक्स्थ है वो आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, एटीएम के ऊपर जो पहले आया था, आई थिंक 2014 में आया था कुछ, नहीं 2016 में आया था पैराग्राफ लिखने को एटीएम के ऊपर। सो देखिए वापस रिपीट होती है, उसके और में एक विजुअल इनपुट है, ठीक है। सो इसको देखकर आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन सेवन्थ है वो भी एक लेटर है, उसके और में भी एक लेटर है। क्वेश्चन एट्थ जो है वो एक एसे का टॉपिक है, ठीक है। इसका देखिए सेक्शन सी जो है वो ग्रामर है। क्वेश्चन नाइन्थ, ओके, क्वेश्चन नाइन्थ में देखिए पूरे 12 हैं, आपको कैसे 10 करने हैं, ओके। सो देख लीजिए इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे पढ़ लेना है ना, ऐसे नहीं 10 पढ़े, सारे पढ़ लेना। उसका देखो क्वेश्चन टेंथ जो है वो भी एक डू एस डायरेक्टेड है, एनी फाइव करने हैं, तो फाइव तो इधर ही है, तो ये फाइव को अच्छे से पढ़ लेना। चलो फिर उधर देखते हैं और कौन कौन से। देखो एक सिक्स वाला है और सेवन्थ वाला है, इन्हें भी अच्छे से पढ़ो, इन्हें भी अच्छे से सोल्व कर लो, ओके। जो सेक्शन डी है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 11th वो एक एक्सट्रैक्ट है। सो एक्सट्रैक्ट के पूरे दो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, सॉरी तीन क्वेश्चन हैं, टू ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और थर्ड जो है वो एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 12th जो है वो एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, और इतनी बड़ी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सो ये इसके तीन क्वेश्चन इसमें भी हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जो क्वेश्चन 13th है ना, वो आपका वापस से वो वाला क्वेश्चन, वो ड्रामे वाला चैप्टर है, सॉरी, है ना, ड्रामे वाला जो चैप्टर है वो वाला चैप्टर देखिए, इसमें ये क्वेश्चन अगेन जो वेसलकोफ वाला चैप्टर है उसमें से आया है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन 14th जो है वो टू फोर क्वेश्चन है, टू टू मार्क्स के 30 वर्ड्स में, ठीक है, क्वेश्चन 14th हो गया। क्वेश्चन 15th जो है ना आपका, वो भी देखिए वर्क बुक में से आया है, ओके, ये आया आपके वर्क बुक में से। सो देखिए हो गया 2018 का पेपर भी। चलिए अब चलते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर का पेपर 2019 का। सो देखिए ये है आपके प्रीवियस ईयर का पेपर सेक्शन ए जो कि है रीडिंग सेक्शन, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक पैसेज है, तो इतने पैसेज को पूरा से देख लो अच्छे से, ओके, है ना। चलो इतना तो देख लिया होगा, ये मेरे को लगता है पहले आ चुका है, ना, देखने ही पहले आ चुका है, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन हैं, इसमें आंसर्स भी हैं। सो आंसर देख लो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ क्वेश्चन है ना, आई थिंक सेवन नहीं सिक्स क्वेश्चन हैं इसमें, इनकी प्रिंट ज़रूर ले लेना, स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट जो भी आप लेना चाहें, ठीक है, ये पूरे हो गए, ओके। अब देखो जो सेकंड है वो पोयम केयरफुली पढ़नी है और उसके आंसर्स देने हैं, इतनी बड़ी पोयम कितनी कितनी बस, ठीक है ना, इतनी बड़ी पोयम है। सो इस पोयम को स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो इतनी और पोयम है, इतनी और पोयम है, वो वहीं ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है। सो इसे भी पूरी देख लो, इतनी पूरी, ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो आप ऐसे देखिए, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें इतने का, ओके, ठीक है। अब देखो ये हैं इसके क्वेश्चंस ए बी सी और डी ई, ओके, एफ, माय गॉड, सिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें आप और इन्हें सॉल्व करें, हालांकि इसके आंसर्स दे ही रखे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका, ओके। सो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, जो भी एक अनसीन पैसेज है लेकिन ये 14 मार्क्स का है, ओके। सो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो है, फर्स्ट ए बी सी डी, ठीक है, फर्स्ट में ही फोर क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको इनके अपोजिट मीनिंग लिखने थे। सो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है, है ना, इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखो क्वेश्चन वन फर्स्ट आ गया, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है जी, है ना, कितने फाइव क्वेश्चन हो गए, इतने पूरे इसमें कितने सिक्स क्वेश्चन हैं, है ना, इसमें कितने सिक्स क्वेश्चन हैं, इन सिक्स क्वेश्चन को सोल्व करो, हालांकि सोल्व भी हैं तो। और चलो अब इधर चलते हैं आगे। देखो जो सेक्शन बी जो है वो राइटिंग सेक्शन है,
ठीक है, यहाँ पे आपको लेटर्स, नोटिस, पोस्ट कार्ड और पैराग्राफ सब कुछ लिखने देते हैं, ठीक है। सो उसमें क्वेश्चन फोर्थ है, इसमें आपको क्या लिखना है, आपको एक अकाउंट लिखना है, यानी कि आपको एक पैराग्राफ ही लिखना है, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑबिडियंस एंड डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ, ठीक है। फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, स्मॉल डीड्स ऑफ माइनर्स आर ग्रेटर देन द ग्रैंडेस्ट इंटेंशंस, ठीक है। इसके बाद देखो फिफ्थ जो है वो है, उसमें आपको एक क्या करना है, प्रिंसिपल को नोटिस लिखना है, उसके बाद और में आपको एक मैसेज लिखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन सिक्स है ना आपका, उसमें आपको क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन 4 पॉइंट्स की मदद से, और इसके जो और में जो है ना, इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक विजुअल इनपुट प्रोड्यूस करना है, स्मॉल स्टोरी, मतलब इसको देख के आपको एक स्टोरी लिखना है, ओके, सीधी सी बात। सो ये भी हो गया आपका, चलो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए क्वेश्चन सेवन्थ जो है, इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, और इसके और में भी आपको एक लेटर लिखना है, ओके। क्वेश्चन एट्थ जो है, उसमें आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है। जो देखो सेक्शन सी जो है ना, वो ग्रामर का सेक्शन है। सो इसमें नाइन्थ जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स आपके हैं 12, है ना, 12 है। सो 12 में से कोई से 10 करना है आपको। सो इसके आंसर्स भरा रहे हैं, देख लेना, मिला लेना सही है कि गलत, है ना। मैंने मेरे एक फ्रेंड से ली थी मैंने, ओके। सो ये देख लेना आप। चलिए अब इधर डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। सो देखो डू एज डायरेक्टेड है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो 7 डू एज डायरेक्टेड है, आपको कोई से 5 करने हैं, ठीक है। तो कोई से 5 करने होंगे तो नहीं, आपको पूरे ही पढ़ने हैं, ठीक है। और मिला लेना सही हो तो, क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड से ली है, वापिस से बता रहा हूँ। अब इसके बाद देखो जो सेक्शन डी जो है, वो आपका एक एक्सट्रैक्ट है, तो 11th क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट, 1 2 3, है ना, इसमें 3 क्वेश्चन है, तो इन तीनों के आंसर ढूंढो इस एक्सट्रैक्ट में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओके। इसमें आंसर ज़रूर आप ढूंढ लेना। जो देखिए 12th है, वो वापस से आपके एक्सट्रैक्ट ही है, ठीक है। सो इसमें ए बी सी 3 क्वेश्चन है। जो 13th है, उसमें से आपको कोई सही क्वेश्चन करना है। देखिए अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 5 ड्रामा का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है ना, उसे अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। ये हो गया 13 क्वेश्चन। जो 14th है, उसमें देखिए 4 क्वेश्चन है, 2 2 मार्क्स के। और जो 15th है, उसमें से आपको कोई सा एक क्वेश्चन करना है, ओके। एक क्वेश्चन करने को आएगा वर्कबुक में से ए और बी, ठीक है। तो मैंने आप वर्कबुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो डाली है, और आपके टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो डाली है। और अभी तक अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी मैंने पेपर्स बताए, इन पेपर्स को ही पढ़ लो, ठीक है। मैंने जितने पेपर्स बताए आपको, इन पेपर्स को ही पढ़ लो, आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। अगर इतना सारा पढ़ लोगे तो सीधी बात है, आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे, है ना। सो आई होप यार वीडियो अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी